प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ईद पर शॉपिंग करने वाली औरत के साथ क्या हुआ। ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बेहद ही खास है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करना भूल जाएंगे। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती थी जिनका नाम सलमा है। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिया है। सलमा बहन कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरखे में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। जब मैं घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुरखा लगाई औरत मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं और हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन अभी इस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें। सलमा बहन बताती है कि इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी, उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपये निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई, उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा और वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था। मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा जमीर मुझ पर लानत करने लगा। वो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था, भाई भारत में ये बीमारी फैलती नहीं, अगर ये जमात वाले और मुसलमान ना होते, इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं कि ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिलो दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा और उसके बाद मुझे एक सूट पसंद आ गई। मैंने उस लड़के से पूछा, ये सूट कितने रुपये की है? तो वो कहने लगा, ये सूट 2200 रुपये की है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वो कहने लगा, बहन जी आप हर बार हमारी दुकान पर आती हो, कभी आपसे गलत नहीं लिए, चलो आप 2000 रुपये दे दो। उसके बाद मैंने उस दुकानदार के मालिक से कहा, भाई साहब ये लड़का 2000 बता रहा है, आप सही से बता दीजिए मुझे कितने रुपए देने हैं। तो वो कहने लगा, बहन जी कभी ज्यादा लिए हैं आपसे, ये रेट बिल्कुल सही है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूँ और मेरे पास जो नोट है वो मुसलमान की है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो वो कहने लगा, क्या बात कर रही हो बहन जी, कैसी बात करती हो बहन जी, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। मैंने कहा, नहीं ये मुसलमान के नोट हैं, क्योंकि मेरा शौहर मुसलमान है और ये पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं। तो फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना? और मैं कहने लगी, भाई मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नोट मुसलमान के नोट हैं। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान सी होकर अपने घर में दाखिल हुई तो देखा मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान ये अब्बा के पहचान वाले की बीवी है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, ये जावेद की बीवी है,
खैर उसके बाद वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा, आप सामान कितने रुपए का लाए हो? तो शौहर ने कहा, 2000 रुपए का लाया हूँ। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा, इतना ही सामान और ले आना, किसी और के काम आ जाएगा। मैं शुक्राने के नाफिल अदा करने चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज बहुत से इंसानों की हालत बहुत खराब है। पहले लॉकडाउन लग गया था और अब मेहनत करने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए भी मुश्किल से कमा पा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते, आप इस बार ईद की खरीदारी करने से पहले अपने आसपास जरूर देखें, अपनी खरीदारी भी करें और इसके साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। और गरीब लोग, जान पहचान वालों की मदद जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर कर दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।